हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कनाडा विजिटर वीज़ा जहाँ अदर वीज़ा कैटेगरी में कुछ कॉमन रीज़न होते हैं रिफ्यूज़ल के, जिसमें सबसे बड़े रीज़न होते हैं पर्पज़ ऑफ विजिट, जो तो आता ही आता है, जहाँ फैमिली टाई अप जहाँ फाइनेंशियल टाई अप। तो पर्पज़ ऑफ विजिट को लेके फैमिली टाई अप को हम डिटेल में जाने, क्योंकि जो लास्ट मैंने आपसे शेयर की थी टाइमलाइन उसमें रिफ्यूज़ल आया था, तो उसमें ये दो कॉमन रीज़न थे, फैमिली टाई अप एंड पर्पज़ ऑफ विजिट। लेकिन रिजल्ट टाइम से आ रहे, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे पर्पज़ ऑफ विजिट की जब हम बात करते हैं, तो ये टोटली वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होता है कि क्या वो सेटिस्फाई हो पाता है। हमेशा अगर मेरी एडवाइस अगर माने, जो अगर आप क्लॉज भी पढ़ते हो, जो एक्ट भी पढ़ते हो, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। हम क्या करते हैं, कई बार नॉर्मली होता है कि कहते हैं जी रिश्तेदार है वहाँ पे, तो हम स्पॉन्सर मंगा लेते हैं, उस पर लिखा होता है जी मैं अपने रिश्तेदार को इन्वाइट कर रहा हूँ और हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, दैट्स ऑल, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे टुगेदर। तो इससे अच्छा अगर आप ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें, तो मान लो कि किसी फ्रेंड ने इन्वाइट किया है कि मैं अपने फ्रेंड को बुला रहा हूँ यहाँ अपने कैनेडा में घूमेंगे फिरेंगे मिलने के लिए। लेकिन अगर इसके अलावा यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर का डिसीज़न है कि वो नेगेटिव वे में भी ले सकता है, क्योंकि खास पर्पस तो है नहीं कि वीज़ा ग्रांट करूँ। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो कि उस फ्रेंड की मैरिज है, उसकी मैरिज उन्होंने हॉल भी बुक करवाया हुआ है, सारा कुछ उन्होंने डन किया हो, तो मैरिज पे आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आपको इन्विटेशन लेटर दे रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर इस रीज़न से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा रेदर देन कि आप सिंपल लिख दो कि मेरा फ्रेंड मुझे बुला रहा है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। तो रीज़न लॉजिकल होना चाहिए और उसके लिए वीज़ा आपको दिया जाए इसलिए थोड़ा सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो जब भी इन्विटेशन मंगवाओ तो सिंपल गेट टुगेदर के साथ साथ कुछ ना कुछ, जैसे किसी का हाउस वार्मिंग का फंक्शन हो सकता है, किसी के बेबी हुआ है, आपका क्लोज फैमिली रिलेटिव है, कोई फंक्शन कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये दो कॉमन रीज़न में आता है। इसके बाद आता है फैमिली टाइज। देखिए फैमिली टाइज होता है कि किसी के रिश्तेदार वहाँ पे है, तो वो इस चीज़ को अच्छा मानता है कि ठीक है स्पॉन्सर आ रही है, लेकिन कई बार वीज़ा ऑफिसर इसको नेगेटिव वे में भी ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो कि आपकी सारी फैमिली वहाँ पे है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि एप्लीकेंट की सारी फैमिली वहाँ पे है, एक एप्लीकेंट यहाँ रह गया, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। जहाँ आप जैसे देख लें कि आजकल क्या होता है, जैसे स्पाउस वहाँ पे हैं तो वो वर्क परमिट पे हैं या पीआर के ऊपर हैं, तो यहाँ पे जब दूसरा एप्लीकेंट फाइल लगाता है तो उसको आ जाता है कि यू विल नॉट लीव कैनेडा एट एंड ऑफ योर स्टे, मतलब कि आप स्टे के बाद वापस नहीं जाओगे, बेस्ड ऑन योर फैमिली टाइप एंड पर्पज़ ऑफ विजिट। तो ये तो अमन, तो फैमिली टाइप का इसका मतलब ये है कि आपका स्पाउस वहाँ पे है, पीछे फैमिली में हो सकता मदर फादर हो, लेकिन उसको इनफ नहीं मानते, क्योंकि अगर कनाडा के आप लैंग्वेज में समझे तो फैमिली मतलब स्पाउस एंड बच्चे। तो यहाँ पे आपके वहाँ रहने का रीज़न ज़्यादा बनता है क्योंकि आपका स्पाउस वहाँ पे है, वापस आने का रीज़न कम होता है। तो इसलिए वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई करना क्लियर वे में अपने टाइप, जो पीछे फाइनेंशियल टाइप के साथ साथ फैमिली टाइप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचें और ट्राई करते रहें थोड़ा रैंडम टाइम के ऊपर, तो फैमिली टाई अप फाइनेंशियल टाई अप अगर स्ट्रांग रखेंगे तो वीज़ा आ सकता है। लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वीज़ा ऑफिसर किस एंगल से देखता है ये, बाकी थोड़ा सा लक भी मैटर करता है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे और भी आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।